फाइनली फोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि अब वो इंडिया से सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद कर देगी और इंडिया से एग्जिट करने जा रही है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। 25 साल पुरानी कंपनी जो इंडिया में 25 सालों से ऊपर हो गए थे उसको आए हुए, वो आज इंडिया से जा रही है। ये वही कंपनी है जिसकी एक गाड़ी एको स्पोर्ट्स ने पूरे सेगमेंट के सभी गाड़ियों के नाक में दम करके रखा था, क्योंकि यह गाड़ी हर मामले में सेगमेंट में बेहतर थी। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्ड ने आखिर जाते जाते हमें क्या दे करके गया और हमसे क्या ले करके गया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाकई में फोर्ड ने क्या अब हमसे ले करके जा रही है। सबसे पहली बात है वो इंजन, वो 1.5 लीटर वाला इंजन जो डीजल इंजन है, जो वाकई में बेहतरीन था, इंडिया के लोगों का फेवरेट डीजल इंजन था। टर्बो लैग बिल्कुल भी नहीं था, बेहतरीन तरीके का इंजन था, एक बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी देता था, बेहतरीन पंच देता था। वो इंजन वाकई में चलाने के बाद लोगों का फ़ैन हो जाते थे लोग उस इंजन के, वाकई में फ़न टू ड्राइव इंजन था, लोग उस इंजन के दीवाने थे। इसीलिए अब वो इंजन फोर्ड ले करके जा रही है। भविष्य में वो इंजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लोग इस इंजन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और फोर्ड की टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि भविष्य में फोर्ड बेहतर से बेहतर इंजन देखने की उम्मीद लगाए हुए थे लोग, लेकिन अब वो उम्मीद पे पानी फिर गया है। और फोर्ड जा रही है तो अपने साथ वो सारी उम्मीद और इंजन को भी अपने साथ ले जा रही है, भविष्य में ऐसे इंजन देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो अगली चीज़ है वो है ड्राइविंग प्लेजर। फोर्ड की गाड़ियों को चलाने के बाद जो ड्राइविंग प्लेजर मिलता था वाकई में 70-80 लाख की गाड़ियों को चलाने के बराबर था। 70-80 लाख की गाड़ियों में जो ड्राइविंग प्लेजर आपको देखने को मिलता था वो फोर्ड की 10-12 लाख की गाड़ियों को चलाने के बाद ही अनुभव हो जाता था। एक आम आदमी 70-80 लाख की गाड़ी तो नहीं चला सकता था, लेकिन फोर्ड ने इतना ज़्यादा बेहतर अपनी गाड़ियों को टेक्नोलॉजी को बनाया था कि उस गाड़ी के ड्राइविंग प्लेजर बहुत बेहतर देती थी। एक स्पोर्ट हुई, चाहे फ्री स्टाइल हुई, चाहे एंडेवर हुई, सभी की ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। उस गाड़ी को चलाने में लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाता था, एक अलग तरह का इंथुजियास्ट वाली फीलिंग आती थी। जो लोग ड्राइविंग के शौकीन थे वो फोर्ड की गाड़ियों से कभी मना नहीं कर पाते थे, बेहतरीन। अब वो प्लेजर फोर्ड अपने साथ ले गया है। अब दूसरी कंपनियों की गाड़ियों में क्या वो प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आगे जाके देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो फोर्ड चली गई है अपने साथ वो ड्राइविंग प्लेजर को भी लेकर के चली गई, जो लोगों का सबसे बड़ा मजे वाली बात होती थी, लेकिन वो चली गई। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जो अगली चीज़ है जो वाकई में लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे वो है हैंडलिंग। वाकई में फोर्ड अपनी हैंडलिंग के लिए जाना जाता था और इंडिया में आकर के अपने 10 से 12 लाख की गाड़ियों में बेहतरीन हैंडलिंग दिया, चाहे फीगो हो गई, एस्पायर हो गई, या फिर फ्री स्टाइल हो गई, या फिर एको स्पोर्ट हो गई, बेहतरीन हैंडलिंग सभी गाड़ियों में मिलता था। गाड़ियां गजब का स्टेबिलिटी देती थी, हर मामले में गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करती थी। हैंडलिंग, स्टेबिलिटी सब में बहुत मज़ा आता था। जो लोग को इंथुजियास्ट थे ड्राइविंग में, मज़ा आता था, हैंडलिंग के शौकीन थे लोग, फोर्ड ने उन्हें वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलेगी। अब अदर कंपनियां क्या उतना बेहतर हैंडलिंग वगैरह दे पाएंगी, देने की कोशिश तो जरूर कर रही हैं, लेकिन फोर्ड का मुकाबला क्या कर पाएंगी, ये सारी चीज़ें फोर्ड अपने साथ ले गया है और उन लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया है जो वाकई में ड्राइविंग के बहुत बड़े शौकीन थे, जो फोर्ड की गाड़ियों को चलाने में मज़ा आता था, हैंडलिंग के दीवाने थे फोर्ड के। वाकई में एको स्पोर्ट जैसी गाड़ियों के हैंडलिंग देखने के बाद आप मना नहीं कर पाएंगे, क्या बेहतरीन हैंडलिंग इको स्पोर्ट में फोर्ड ने दिया था। और वो सारी चीज़ें फोर्ड अपने साथ लेकर के चला गया और ये चीज़ें लोग अक्सर मिस करेंगे। अगला पॉइंट जो लोग मिस करेंगे वो है सेफ्टी। वाकई में फोर्ड की गाड़ियों को लेने से पहले लोग सोचते नहीं थे कि ये सेफ्टी में किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ होगी, क्योंकि फोर्ड अपनी गाड़ियों की सेफ्टी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। इसीलिए लोग फोर्ड की गाड़ियाँ आँख बंद करके ड्राइवेबिलिटी को देखते हुए सेफ्टी को नज़रअंदाज करके खरीद लेते थे, क्योंकि उनको पता था फोर्ड बेहतर सेफ्टी देगा। अब वो चीज़ें लोगों के मन से हट गई हैं, अब फोर्ड वो चीज़ लेके चला गया है। अदर कंपनियां कुछ सेफ्टी देती हैं बेटर, तो कुछ अच्छी ड्राइवेबिलिटी नहीं दे पाती हैं, लेकिन अब ड्राइवेबिलिटी के साथ सेफ्टी मिलना बहुत बड़ी बात है। अब देख अदर कंपनियां सेफ्टी पे काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं और फोर्ड के लेवल की सेफ्टी दे सकती हैं या देंगी, वो तो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन फोर्ड की सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त होती थी। 6 एयरबैग वो हर छोटी सी छोटी गाड़ियों में देता था, सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो 2 एयरबैग से ही काम चला रही हैं, लेकिन ये कंपनी हमेशा अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग का ऑप्शन दी ही है, चाहे वो उसकी फीगो हुई हो या फिर एंडेवर हुई हो।
तो बेहतरीन सेफ्टी फोर्ड हमेशा अपनी गाड़ियों में देता था, सेफ्टी फीचर से कभी कमी नहीं करता था, इसीलिए लोग जो बेहतरीन सेफ्टी के दीवाने थे वो सेफ्टी फीचर्स के दीवाने थे वो फोर्ड की गाड़ियों की ओर आते थे। अब उस चीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे और ये चीज़ें फोर्ड अपने साथ लेकर के चला गया। अब बात कर लेते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ जो लोग फोर्ड के लिए मिस करेंगे वो है फोर्ड की गाड़ी एको स्पोर्ट्स। वाकई में उस गाड़ी को लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इंडिया में वो सड़क पर कहीं ना कहीं दिख तो जाती ही है और देख करके लोगों को जरूर याद आएगा फोर्ड के बारे में, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी बेंचमार्क गाड़ी थी जो वाकई में हर आदमी की जुबान पे आती थी। जैसे सफारी का नाम कोई नहीं भूल सकता था, उसी तरह इस गाड़ी का नाम भी कोई नहीं भूलेगा। फोर्ड तो चली जाएगी लेकिन इस गाड़ी का नाम हमेशा लोग याद करेंगे क्योंकि एक बेहतरीन गाड़ी थी जिसने लिया कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया। इस गाड़ी से बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी, हर एक चीज़ बेहतर मिल जाती थी। लोग इस गाड़ी के फैन थे, इस गाड़ी का नए जनरेशन का वेट कर रहे थे कि अब फोर्ड नए जनरेशन लाएगी तो उसमें नई टेक्नोलॉजी लगाएगी, नया इंजन, नई चीज़ें मिलेंगी। कई चीज़ें लोग जितने भी फोर्ड के फैन हैं बहुत ज़्यादा इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फोर्ड ने ऐसा किया कि अब तो ये गाड़ी ही लेकर के चला गया, अब तो नए तो छोड़िए अब तो पुरानी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो फोर्ड के फैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा कि हाँ अब इको स्पोर्ट्स का कोई अपडेट या फिर कोई फेसलिफ्ट या फिर कोई भी जनरेशन अब हमें नहीं मिलने वाला। वो लोग बेसब्री से इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे फोर्ड से, लेकिन फोर्ड ने उनकी उम्मीदों को पानी फेर दिया और फोर्ड खुद ही निकल पड़ा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्ड क्या दे करके गया। फोर्ड देखा जाए तो अपने इको स्पोर्ट्स के ऑनर हैं उनको सब कुछ दे करके गया, क्योंकि अब नई इको स्पोर्ट्स तो आने वाली नहीं है, कोई दूसरी इको स्पोर्ट्स मिलने वाली नहीं है। जो इको स्पोर्ट्स के ऑनर है उनसे लोग जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी गाड़ी दीजिए, थोड़ी सी चलाने में अनुभव हम कर सकें। हाँ तो ये है इको स्पोर्ट्स के ऑनर बहुत ज़्यादा, फोर्ड के जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनके ऑनर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करें कि हाँ हमारे पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं और लोग उनसे मांगेंगे उनकी गाड़ियाँ चलाने के लिए, क्योंकि जब उनसे मन में आएगा कि हाँ चलो एक बेहतर गाड़ी चलाते हैं तो जरूर एक बार इको स्पोर्ट्स या फिर फोर्ड की अदर गाड़ियों को लोग जरूर मांग करके चलाएंगे, क्योंकि अब तो मिलने वाली नहीं है नहीं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के रीसेल वैल्यू घटेंगे तो जरूर, लेकिन ये तो है कि लोग खरीदना जरूर पसंद करेंगे। और फोर्ड से बस हम इतनी ही उम्मीद करते हैं कि जो फोर्ड के ऑनर उनको बेहतरीन सर्विस दे और बेहतरीन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी दे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उन्हें और वो बेहतरीन फील करें फोर्ड का अभी भी एग्जिटिंग कस्टमर होते हुए भी। लेकिन अब यही उम्मीद कर सकते हैं और फोर्ड के जो ऑनर्स है वो वाकई में निराश बिल्कुल ना हो, उनसे लोग गाड़ियां मांग मांग के चलाने वाले हैं, क्योंकि फोर्ड की गाड़ियां फन टू ड्राइव होती हैं, मज़ा आता है लोगों को चलाने में, तो ज़रूर आपसे मांगेंगे। तो आपको इतनी फील तो नहीं होगी कि हम किसी तरीके से गलत गाड़ी ले लिए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप एक बेहतरीन गाड़ी के ऑनर हैं, चाहे कंपनी रहे या ना रहे गाड़ी तो आपके पास ज़रूर है। बस आप यही उम्मीद कीजिए फोर्ड बेहतरीन सर्विस दे और बेहतरीन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी दे जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना आए। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।